Hey guys, welcome to Shrikriti Education. हम सीख रहे थे Adopt Animate. अभी तक हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं. ये हमारा 4th लेक्चर है. इसमें हम बैकग्राउंड को मूव करेंगे. बैकग्राउंड को मूव करेंगे और ऐसा लगेगा कि हमारा कैरेक्टर मूव हो रहा है. कैरेक्टर चलता हुआ दिखाई देगा पर असल में कैरेक्टर नहीं चल रहा है, पीछे का बैकग्राउंड चल रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके लिए मैंने अपना पिछले वाला कैरेक्टर जो कि लाइन मैन था उसे ही मैंने ले लिया. ये ऑलरेडी हम इसे सेट कर चुके थे. ये वॉक कैसे करेगा, इसकी वॉक साइकिल पे मैंने वीडियो बनाया था. अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वाला वीडियो जरूर देखिए. अब हम एक नई लेयर ले लेंगे और उसे मैं नीचे ले आऊंगा ताकि हमारा कैरेक्टर उस लेयर के ऊपर दिखने दे. अब हम अपने जो भी डाउनलोड की गई इमेज है उसे इंपोर्ट करेंगे. तो फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाके इंपोर्ट को लाइब्रेरी कर देंगे और लाइब्रेरी से जो सिलेक्टेड इमेज है जो कि अपने बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड करके रखी है उसे आप लाइब्रेरी में आके आ जाएगी सिलेक्ट करने पर. तो लाइब्रेरी में चलते हैं, लाइब्रेरी में इमेज ढूंढें अपनी कहाँ है गई. ये रही वो वाली इमेज. अब इसको मैं ले आता हूं, बस ड्रैग करके सिंपली इधर पे ले आए. अब बस साइज को मैनेज कीजिए. अगर आप से साइज मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप जाइए प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाके साइज कर दीजिए 640 by 480. वरना आप मैनेज यहीं से करना चाहें तो यहीं से कर दीजिए. मेरा तो यहीं से मैनेज हो गया. अब मैं इसी इमेज को दोबारा से ले आऊंगा. ले आया मैं इसी इमेज को दोबारा से, इसे भी उसी साइज का कर लिया, मैनेज कर लिया. नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फिर से कहूंगा प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाके आप साइज को मैनेज कर सकते हैं. वहां पे मिल जाएगा, आप उसमें सिलेक्ट कर दीजिए 640 by 480 और आपका काम हो जाएगा. ये हमारा काम यहाँ पे भी हो गया. अब मेरी इमेज स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को एक सिंबल में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि वो एक ही पिक्चर बन जाए पूरी. यहां से पूरा सिलेक्ट किया मैंने बैकग्राउंड और मैंने जो अपना कैरेक्टर की लेयर है उसे मैंने लॉक कर रखा है. कन्वर्ट टू सिंबल, या फिर आप एक काम कर सकते हैं F8 दबा दीजिए तब भी काम हो जाएगा आपका. सिंबल में कन्वर्ट कर दिया इसे, इसका नाम कुछ भी डाल दीजिए. अब देखिए ये पूरा एक कन्वर्ट हो चुका है एक ही इमेज में. ऐसा लग रहा है ना कि एक ही इमेज हो. अब आपको सबसे लास्ट हिस्से पे पहुंच जाना है और लास्ट हिस्से पे इस इमेज को टोटल मूव कर देना है अदर एंड को और बस आपका बैकग्राउंड मूव होने लगेगा
और एक चीज़ यहाँ पे आपको और सिलेक्ट करनी है, और करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नीचे जो टाइमलाइन में जो बैकग्राउंड की लेयर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, टाइमलाइन से ही सिलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से एंड तक, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट अ क्लासिक ट्विन। तो ये पूरी लेयर एक क्लासिक ट्विन बन जाएगी और कुछ इस तरीके से एनिमेट होते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये नीचे जमीन के नीचे चल रहा है, तो मुझे पूरे फ्रेम में इसे ऊपर करना होगा। तो मैं इसे फटाफट सारे फ्रेम्स में ऊपर करता हूँ। ऊपर करने के लिए मैं बस इसे पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट ऊपर वाली की जो हमारी एरो कीज होती है उनसे ऊपर कर रहा हूँ। ये लास्ट वाला भी मैंने ऊपर कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एक नई लेयर बनानी है। वो लेयर जो हमने नई बनाई है वो हमारे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होनी चाहिए।
उस लेयर में हम एक ब्लैक कलर का स्क्वायर बना देंगे, जो हमारे स्टेज वाला एरिया है उसे हम ब्लैक कलर के स्क्वायर से, ब्लैक नहीं तो किसी भी कलर के स्क्वायर से हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे हम दबाएंगे उसी लेयर पे राइट क्लिक करने पे मास्क का ऑप्शन, तो ये मास्क का ऑप्शन दबा दिया और इस तरीके से हमारा केवल वही पोर्शन दिख रहा है स्टेज का, बाकी लेयर कुछ नहीं दिख रही, बाकी जो अभी अलग से बाहर निकला हुआ पोर्शन आ रहा था वो नहीं दिख रहा। तो बस ये हमारा हो गया, कैरेक्टर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और देखते रहिए श्रीपति एजुकेशन। थैंक यू। We'll be right back.